वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे मुकाबलों में भारत की तरफ से लौट आया है बब्बर सिंह। 3 साल बाद इस खिलाड़ी की वापसी हुई है। इस खिलाड़ी ने आते ही प्रैक्टिस मुकाबले में 293 रन की नाबाद पारी खेल डाली है। दोस्तों पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा अहमदाबाद में दोपहर को 1 बजे से। उसके बाद दोस्तों 8 तारीख को दूसरा वनडे खेला जाएगा जबकि 11 तारीख को तीसरा वनडे खेला जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी जिसमें से पहला T20 मुकाबला 16 को, दूसरा 18 को और आखिरी T20 मुकाबला 20 फरवरी वाले दिन खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं। दोनों ही फॉर्मेट में चाहे वो T20 हो या फिर वनडे हो विराट कोहली एज ए प्लेयर खेलने वाले हैं। और दोस्तों जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो इसमें एक नाम चौंकाने वाला था जो नाम था दीपक हुड्डा का। दोस्तों दीपक हुड्डा की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि दीपक हुड्डा की वास्तव में भारतीय टीम में वापसी होनी चाहिए जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दीपक हुड्डा की वापसी नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, दीपक हुड्डा ने आज से 3 साल पहले 293 रन लगाए थे नाबाद जिस दौरान 9 चौके भी जड़े थे। दीपक हुड्डा की बदौलत बड़ौदा की टीम ने 529 रन बनाए थे।